हज़रत मुफ्ती आदम मोहम्मद मज़हरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ़ की महफ़िल है, अल्लाह के वलियों के ज़िक्र की महफ़िल है। चूँकि हुकूमत की तरफ से पाबंदी है महफ़िलों की, ये मजबूरी है, लिहाजा हमें सब लोगों को हुकूमत की हिदायत पर अमल करना चाहिए और इबादत के लिए अपने घरों में इबादत करनी चाहिए। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं। आप जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो जिस तरह से हालात हम सुन रहे हैं तो उसके लिए हमें सबको हिदायतों पर अमल करना चाहिए। हज़रत मुफ्ती आज़म मोहम्मद मज़हरुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, बहुत ही अजीम इंसान थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सरशार थे। हर वक्त अल्लाह अल्लाह, हर वक्त दीन, हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र। मेरी उम्र के तकरीबन 14-15 साल बचपन के उनके साथ गुज़रे, तो मैं सुबह से लेके शाम तक उनके साथ ही रहता था। उन्होंने ही बिस्मिल्लाह पढ़ाई। हज़रत मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम हिफ्ज़ कराया, उन्होंने ही उर्दू, अरबी, फ़ारसी पढ़ाई, और जो भी कुछ उन्होंने अपनी फैज़ नज़र से सिखाया आज वो आपके सामने। हज़रत मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में बहुत कबूलियत अता फ़रमाई थी। उनकी नज़र इंसान के दिलों को भी देखती थी, क्योंकि अल्लाह की दीवी सिफत होती है, ये अल्लाह के वली को अल्लाह की दीवी सिफत होती है, यह कोई शिर्क नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने वलियों को जो सिफत अता फरमाई है उससे इनकार नहीं कर सकते आप। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के वलियों को आपके दिल का हाल मालूम है, वो तो आपके हमारे समझ में नहीं आ रही, और जब एक्सरे मशीन आपका एक्सरे अंदर का लेके दिखा देती है तो आपको समझ में आ जाती है। इसी तरह पर जो और मशीन है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआईआर होता है, अंदर की एक एक नस बता देते हैं वो। ये तो इंसानों की बनाई हुई मशीनें हैं। जब टेलीविज़न पे प्रोग्राम आता है तो वो प्रोग्राम कहाँ से आता है, आप देखिए कहाँ से आता है, वो इन्हीं तारों के ज़रिए आता है, इन्हीं तारों के ज़रिए आवाज़ आती है, इन्हीं तारों के ज़रिए तस्वीरें आती हैं, इन्हीं तारों के ज़रिए रंग आते हैं। तो दुनिया की ये जो साइंसी इजादात हैं, अगर आप उनको ग़ौर से देखें और फिर ये देखें कि अल्लाह ने अपने वलियों को जो मकाम अता फरमाया है वो इससे ज़्यादा है, वो इससे कम नहीं है, वो इससे ज़्यादा है, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है और हदीसों में मौजूद है। ये नहीं कि हम कोई गलत बात कह रहे हैं, हदीसों में मौजूद है।
मैं एक छोटा सा वाकया बताऊं आपको कि 50 साल पहले आपको याद होगा कि इस्तंजे के लिए मिट्टी के ढेले लिए जाते थे और बाकायदा मस्जिदों के अंदर रखे रहते थे, हमारे यहाँ भी रखे रहते थे। और जो बूढ़े लोग होते थे वो इस्तंजे पे बड़े ध्यान दिया करते थे। हालांकि ये बताना बहुत ज़रूरी नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, जो मेरी उम्र के होंगे या 30-40 साल पहले के, उनको ये आइडिया होगा। तो हमारे दादा हज़रत मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के पास छोटी छोटी थैली में कोई मूंगफली ले आता था, कोई दाल सेव ले आता था, कोई बच्चों के लिए कुछ ले आता था। तो वो हमारे दादा मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह वो सब अपने हथेली पे रख के कबूतरों को खिलाते थे। जब वो चारपाई पे बैठे हैं, कबूतर पले हुए होते थे, आ जाते थे, उनके हाथ पर बैठ जाते थे, वो दाल सेव या मूंगफली या जो छोटे छोटे दाने खिलाते थे। तो जो भी लोग थैली लाया करते थे ना, वो हज़रत मुफ्ती साहब के पास रख दिया करते थे। एक साहब आए, वो थैली लाए छोटी सी, तो हज़रत ने फरमाया कि इसको बाहर रख दो, इसको थैली को बाहर ही रख दो। अब जितने मुरीद बैठे थे वो हैरान, क्या मामला है, बाहर रख दो। जब हुजूर हज़रत ने फरमाया बाहर रख दो, मुरीद बैठे हुए चुप, कोई बोला नहीं। जब सब उठ के चले गए, दोबारा आए दूसरे दिन, तो उन्होंने कहा हज़रत वो आपने एक साहब को कह दिया था कि वो थैली बाहर रख दो, हज़रत आप किसी और से तो कहते नहीं। फरमाया वो मिट्टी के ढेले लाए थे, वो मेरे लिए मिट्टी के ढेले लाए थे, तो मैं ढेले जहाँ रखता हूँ मैंने उनसे कहा वो वहाँ रख दो। मालूम यह हुआ, जब मुरीदों ने आपस में, हज़रत से तो पूछने का मौका होता नहीं था, जब मुरीदों ने आपस में एक दूसरे से बात करी और मजाक उड़ाया कि मियाँ ढेले भी लाने की कोई चीज़ होती है बताओ, तो पता ये लगा कि उनके वालिद ने जो अपने लिए ख़ास तौर से मिट्टी के ढेले बनाते थे वो हज़रत के लिए भिजवाए थे। आज का दिन होता तो मैं ये समझता टेलीफोन कर दिया होगा कि हज़रत मैं आपको ढेले भिजवा रहा हूँ, या मोबाइल होता या टेलीफोन होता तो मैं समझता, आप भी समझते, किसी ने कह दिया होगा आके। उस ज़माने में ना मोबाइल था, ना फ़ोन था, ना टेलीफोन था, ना हज़रत के पास कुछ था। तो इस तरह के वाकयात ना हम देखा करते थे और लगता ये था कि उनकी नज़र में सब कुछ है। और जब उर्स शरीफ होता है तो उन बुज़ुर्गों का फैज़ हमको मिलता है। देखिए, हम और आप तो आज 15वीं सदी में रह रहे हैं। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल हुआ और उनका पहला उर्स हुआ, तो किताबों में लिखा है कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली हज़रत पीर साहब के उर्स में आए थे। तो मैं या आप तो छोटे आलिम हो सकते हैं, ख्वाजा बाकी बिल्ला या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी वो छोटे आलिम या छोटे बुज़ुर्ग नहीं थे। लेकिन यह है कि कोई हमें ये यकीन रखना है कि सब अल्लाह ताला के हुक्म से है, उतना ही है जितना अल्लाह देता है, उससे ज़्यादा नहीं है। अल्लाह ने किसी को कुछ मकाम दिया, तो आज उनका उर्स शरीफ है, इसलिए हमने छोटी सी महफ़िल की। तो हज़रत मुफ्ती आज़म शाह मदरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, जिनका फैज़ान यहाँ जारी है, अल्लाह के वलियों का जो फैज़ान जारी है, इंशाअल्लाह जारी रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
अल्लाह।